पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 5,357 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, यानी पिछले दो दिनों के मुकाबले कोरोना केस में कमी आई है और संक्रमण की रफ्तार पर भी रोक लगी है। कोरोना के मामलों में ये उतार चढ़ाव पहले भी दिखाई दिया था, इसीलिए अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र में 542 कोरोना के नए मरीज डिटेक्ट हुए हैं। केरल में 24 घंटे में 1,800 नए केस सामने आए। इसका असर ये हुआ कि केरल सरकार ने पब्लिक प्लेस में सबके लिए मास्क लगाना जरूरी कर दिया। तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र भी मास्क को लेकर अलग अलग लेवल पर गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को बिना कोरोना टेस्ट यूपी में एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना को लेकर अमेरिका की स्टडी में खुलासा हुआ कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी माँ से कोरोना हो सकता है। मियामी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दो ऐसे मामले थे जिनमें पहले माँ को कोरोना हुआ और फिर माँ के जरिए ये वायरस शिशु तक पहुँचा और उनका ब्रेन डैमेज कर दिया। ये बात 2020 की है, जब वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं थी।